बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मिनाल भाई बैचलर्स इन जर्मनी के बारे में स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो अब मैं बैचलर्स इन जर्मनी के बारे में बनाऊंगा कि कैसे आपको जर्मनी में बैचलर्स हो सकता है और क्या आपको डायरेक्ट बैचलर्स में इंटर के बाद एडमिशन मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले कॉफ़ी ख़रीद लें थोड़ी सी जाके, कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है। मैंने एक डेढ़ महीने से नहीं पिए क्योंकि बीच में रमज़ान आ गया था, घर पे मैं नहीं बनाता। मैं एक मिनट कॉफ़ी पी लूँ फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली जो जो भी मुझसे पूछ रहा था बैचलर्स इन जर्मनी के बारे में, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई साइंस नहीं है और सबका एक अपना अपना सिस्टम होता है। मैं पिछली बार एक बना चुका हूँ वीडियो, क्योंकि इंटर के बाद डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता बैचलर्स में जर्मनी में। आपको पहले लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना होता है और लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है 6 महीने से 1 साल 8 महीने। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जर्मन में बैचलर्स करना हो तो ही जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, मगर जर्मनी की रिक्वायरमेंट है कि 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ये लोग रिक्वायर करते हैं आपको। वो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए या तो ए लेवल्स करे हुए होना चाहिए, ओ एंड ए लेवल्स पाकिस्तान और इंडिया वालों को पता होगा, पिछली वीडियोज में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या आप लोगों को यहाँ आके लैंग्वेज पहले करनी पड़ेगी फिर आपका बैचलर्स में एडमिशन होएगा। ए लेवल्स वालों का डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन हो जाता है और उनका डायरेक्ट कोई मुश्किल नहीं होती। बाकी जिन लोगों को बैचलर्स करना होता है उनका ये भी है कि कुछ लोग बोलते हैं अब हमने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में हम 1 साल पढ़ लें, मतलब 2 सेमेस्टर्स पढ़ लें, फिर हमारा हो जाएगा बैचलर्स में जर्मनी में एडमिशन। तो नहीं, अगर आपने पाकिस्तान में एडमिशन ले लिया है किसी यूनिवर्सिटी में और आप वो कोर्स कर रहे हैं और अब आप शिफ्ट करना चाहते हैं जर्मनी टू जर्मनी, तो आपको 4 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 2 साल आपको वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। 13 ईयर्स ऑफ का ख़त्म हो जाता है फिर रिक्वायरमेंट और 14 ईयर्स की हो जाती है रिक्वायरमेंट को, और फिर आपका 14 ईयर्स की एजुकेशन के साथ जर्मनी में फिर से शुरू से बैचलर्स में आपका एडमिशन होता है। एक्चुअली जर्मनी में सेशन शुरू होने वाला है नया और इस साल एडमिशन शुरू होने वाले हैं बैचलर्स और मास्टर्स के, तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बैचलर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंटर पास आउट हुए हैं अभी अभी और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि अब हमने इंटर कर लिया है तो हम लोग ने उस वाले सिस्टम से इंटर करा है कि हमारा डायरेक्ट बस रिजल्ट आ गया है और कोई एग्ज़ाम नहीं हुए तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो नहीं, उसकी वजह से भी कोई मुश्किल आप लोगों को फेस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अगर मैट्रिक की मार्कशीट, जब इंटर की मार्कशीट मिल जाएगी, आप लोगों को ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब आप लोगों को इंटर की मार्कशीट मिल जाए तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, या अगर आप लोग खुद से सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है dart.de, वो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में। आप लोग खुद से करना चाहते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं, मगर जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पासपोर्ट, मिनिमम आपका पासपोर्ट, आपकी मैट्रिक इंटर की मार्कशीट्स और जो भी सनदें होती हैं वो सब, और आप लोग एक ब्लॉग अकाउंट अफोर्ड कर सकें, क्योंकि जर्मनी में जिनको मास्टर्स या बैचलर्स या जो भी लैंग्वेज कोर्स या कुछ भी करना होता है उनको ब्लॉग अकाउंट खुलवाना होता है और उस ब्लॉग अकाउंट में 10,400 यूरो डलवाने पड़ते हैं जो 1 साल के लिए ब्लॉग्ड होते हैं। हर महीने उनमें से आपको 850-850 यूरो मिलते हैं, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है मगर फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार कि हमारा उस सिस्टम से हमारी मार्कशीट मिलनी नहीं है अभी तक और हम अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं, मगर पहले आपको अपनी मार्कशीट चाहिए होगी और फिर आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं मिनाल भाई आप बताएं आपको क्या लगता है, मुझे लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए या मुझे पहले यूनिवर्सिटी में 1 साल 2 साल पढ़ाई करनी चाहिए, या मैं पाकिस्तान से अगर लैंग्वेज कोर्स कर लूँ और टेस्ट दे दूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसका जवाब देता हूँ कि देखें, मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है आपको जर्मनी में आकर लैंग्वेज सीखनी चाहिए और फिर उससे आपको 6-8 महीने यहाँ के नोहाव पता चल जाता है और फिर आप डायरेक्ट बैचलर्स में जाके बैठते हैं और आपको यहाँ का हर चीज़ पता होता है। अगर आप पाकिस्तान से लैंग्वेज करके आते हैं तो यहाँ आपको एक आउफनामा प्रूफोंग, मतलब एक टेस्ट देना होगा उस लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का कि आपको उस लेवल की लैंग्वेज आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो टेस्ट पास नहीं कर पाते क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग अपने लेवल के टेस्ट लेते हैं और पाकिस्तान में इतनी हाई फाई जर्मनी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जर्मन नहीं सीखें पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा वीज़ा पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप A2 पाकिस्तान से सीख लें और पाकिस्तान से आपके पास सर्टिफिकेट हो A1 A2 का, तो बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशियो बढ़ जाता है, मतलब 99% फिर वीज़ा लगता ही लगता है।
और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं पाकिस्तानी से 2 साल पढ़ लूँ तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप पाकिस्तान से 2 साल पहले यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आके शुरू से यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे। तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। और आप सीधा सीधा सिंपली पाकिस्तान में 2 साल यूनिवर्सिटी पढ़ के जाया कर रहे हैं, इससे बेहतर है आप 2 साल वहाँ और यूनिवर्सिटी पढ़ें और अपनी डिग्री खत्म करें और फिर यहाँ आके मास्टर्स में एडमिशन ले लें। वो भी बड़ी आसानी से आपका मास्टर्स में भी एडमिशन हो जाता है। मगर अगर आपको यहाँ बैचलर्स करना है तो मेरा यही पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप लोग यहाँ आएँ और लैंग्वेज करें, क्योंकि आप पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, लैंग्वेज करते हैं 1 साल और फिर आपकी 4 साल की यूनिवर्सिटी होगी, 5 साल में आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर आप पाकिस्तान से 2 साल बैचलर्स करके आएंगे, फिर यहाँ आप यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे और साथ साथ लैंग्वेज भी सीखते जाएंगे, बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा और फिर वहाँ ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं होगा। और आपको अगर होगा भी तो फ़ायदा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज ही हम वीडियो पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कॉमेंट्स पढ़ के ख़त्म करते हैं। आई सपोज This was a much better video. You should make. अच्छा पिछली वीडियो मेरी ईद के बारे में थी। Don't forget to like my videos. अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये एल्गोरिथम में ऊपर आ जाती है। तो अभी मुझे पता चला है, वैसे मैं इतना परवाह नहीं करता था लाइक की, मैं बोलता था सब्सक्राइब करते जाओ। तो सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी कर दें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और ऐसा ही कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, ताकि मेरी वीडियोज रैंकिंग में ऊपर आती जाए। थैंक्स। आई नो इट्स डैम टफ टू होल्ड योरसेल्फ स्पेशली ऑन दिस बिग फेस्टिवल। Really love watching the way you express your feelings. Good luck, Manal bhai. Hope your Eid is best and it's yet to come. Bhai, aapko pata hai, you feel me. I know, bahut mushkil tha, magar koi mushkil nahi hai. Chalo, aap log hai na mere saath. Maine Eid apni aap logon ke saath spend kari. So it was good. Okay thi. Video to aap logon ne dekhi hai na. Please make a video on Poland work permit visas, that how to obtain a work permit. Yaar, पोलैंड के जो वर्क परमिट्स होते हैं ना, बहुत शेडी होते हैं। मैं इसलिए उनमें इतना ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है। तो अगर मेरे पास आप लोग पोलैंड के वर्क परमिट्स के लिए नहीं आए, अगर आप लोग उसमें पढ़ना है तो बिल्कुल थॉरली चेक करना है कि हर चीज़ सही है। क्योंकि पोलैंड के वर्क परमिट्स मैं देख चुका हूँ कि मेरे सामने इतने सारे लोगों के साथ 2 नंबरी हुई है, पैसे लेते हैं, भाग जाते हैं, सही से काम नहीं करते। तो हाँ, स्टूडेंट वीजा सही है, माल्टा के वर्क परमिट जो मैं जानता हूं, जिनके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं ना, जिन टॉपिक्स के बारे में, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि मुझे यहां से वो पता चलती है। मगर बहुत सारे मुझे बच्चे कहते हैं पोलैंड के वर्क परमिट, तो ये बहुत शेडी इन्फॉर्मेशन है और इसमें बहुत ज्यादा 2 नंबरी भी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई और रास्ता ढूंढें और इन 2 नंबर तरीकों से बचें और शॉर्टकट्स ना ढूंढें। मेरा एडमिशन हो जाएगा आफ्टर इंटरमीडिएट अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जर्मनी में। हाँ, ये पूरी वीडियो इसी के बारे में थी। आपका जरूर हो जाएगा, पहले इंटर के बाद आपका लैंग्वेज में होगा और लैंग्वेज के साथ साथ आपको एक बैचलर्स का भी कंडीशनल लेटर मिलेगा। मतलब पाकिस्तान से जब आप यहाँ आएंगे, आपके पास 2 लेटर्स होंगे, एक लैंग्वेज में आपका एडमिशन हुआ वो होगा और एक कंडीशनल लेटर होगा कि जब आप लैंग्वेज पास कर लेंगे तो आपका बैचलर्स में भी हो जाएगा। आई एम अ फैन ऑफ योर वॉइस सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस। यू हैव सच अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस। आई सजेस्ट यू शुड डू वॉइस ओवर्स एज अ फ्रीलांस for Upwork, Fiverr, etc. It's just a suggestion. You can show your YouTube videos as your portfolio. मैं अपनी आवाज से पैसे कमा सकता हूँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग। वैसे मुझे बहुत सारे रिश्तेदारों ने बोला कि मैं रेडियो पे काम कर सकता हूँ। आपको लगता है मेरी आवाज के साथ मैं रेडियो पे और ये फाइबर और अपवर्क पे कैसे पैसे कमाते हैं यार। आई वॉन्ट मनी, कैश कैश कैश, मुझे बताओ सब लोग। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट।